तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के एक न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सलमान खान का दबंग 3 का जो कुछ सीन जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है टिकटॉक पे। दोस्तों इस टाइप का वीडियो यदि आप बनाते हैं तो आपके टिकटॉक पे लाइक एंड फैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है और दोस्तों किस प्रकार एडिट करना है, इसी का ट्यूटोरियल आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन से कैनवास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों चलते हैं आपको मोबाइल को होम स्क्रीन पर, और मैं वहाँ बताता हूँ इस वीडियो को आप किस प्रकार एडिट करना है। तो सबसे पहले इसको इस टाइप का वीडियो आपको शूट कर लेना है। तो दोस्तों सिंपल सा वीडियो आपको शूट कैसे करना है, जो मोबाइल को आपको किसी दीवार के सहारे से आप खड़ा कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल के पीछे ईंट आपको लगा सकते हैं, उससे आपको सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट देने के बाद इस टाइप का वीडियो आप बिल्कुल आसानी से शूट कर सकते हैं। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे, वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, वीडियो जो है हमारा इस टाइप का वीडियो शूट किया गया है। और दोस्तों यदि आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो है रिमूव हो चुका है। इसके बाद यदि हमारा राइट साइड का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट साइड का भी पार्ट जो है लेट हो जाएगा। तो इसके बाद देख सकते हैं हमारा जो वीडियो जो यहाँ पे 8 सेकंड के आसपास वीडियो शूट किया गया है। तो यहाँ पे वीडियो जो आपको 6 से 7 सेकंड के आसपास वीडियो शूट करना है। शूट करने के बाद वीडियो को आपको स्लो मोशन कर लेना है। तो देख सकते हैं वीडियो जो हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है जो स्लो मोशन हो चुका है। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल से आपको मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद वीडियो डाउनलोड करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ से इस वीडियो से आइडियो को रिमूव कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं आइडियो जो हमारा बाहर आ चुका है। इसके बाद इस पर आइडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है और इसके बाद लास्ट तक लेकर आना है। इसके बाद जो वीडियो का हमारा काम हो चुका है तो वीडियो को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर साउंड आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा पाथ है ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ पैर मारते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको वहाँ पे लेयर के लेकर आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद एक मैंने PNG डाउनलोड कर रखा, वो PNG आपको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको सही तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद जब हम टायर सेट करते हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आउट एनिमेशन में आना है और इसके बाद साइड राइट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो जो इस तरह से यहाँ पे तैयार हो चुका है। वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। और जो हमारा वीडियो जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है।